विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां इंडिया अलायंस अपनी बैठक कर रहा है, यानी बाकी जो उनके घटक दल हैं उनके साथ बैठक कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घटक दलों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चाहे वो निषाद पार्टी हो, सुबासपा हो, उनके साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करने के लिए एक रोड मैप बनाने की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर जयवीर सिंह हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उनसे बात करेंगे। जैसे बाकी जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के वो अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी पहले से इसे तैयार करने जा रही, क्या कहेंगे? और खासतौर पर सीट शेयरिंग वो इतना अहम मुद्दा होता है जिसको लेकर के ये भी तय होगा कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, उस पर आम सहमति अभी बनना जरूरी है लगता है। देखिए, पहले तो ये आपको संज्ञान में ला दें कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन बोर्ड में रहती है और कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, और उसी का परिणाम है कि जनता का आगाध विश्वास, श्रद्धा आदरणीय मोदी जी के ऊपर है और उनकी गारंटी ही इन पांच राज्यों के चुनाव में देखने को मिली, और उसी का विश्वास करते हुए 3 राज्यों में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का जनता ने काम किया, और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग वोट शेयरिंग अपना बढ़ाने का काम किया और 2 एमएलए से 8 एमएलए जिताने में भी कामयाब हुए हैं। जहाँ तक अब ये कुछ समय नहीं बचा, लोकसभा की तैयारियाँ, हम लोगों की रणनीतिक तैयारियाँ पहले से हैं, सारा रोड मैप और प्लान तैयार है, उसी के अनुरूप आप देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार धरातल पर काम भी कर रहे हैं। अब चूँकि चुनाव में कोई समय नहीं है और हमें तैयारियाँ करनी है, और 60% से ऊपर वोट ला करके 80 की 80 सीटें जीतने का जो हमारा लक्ष्य है वो हासिल करना है, और साथ ही साथ ये भी है कि हम लोग अपने जो भी एनडीए के घटक दल हैं उनको भी उनके साथ मिला के, उनकी साथ बैठ कर चर्चा करके जो भी उनका हिस्सा बनता है उनको भी उसमें उनकी हिस्सेदारी दे करके आगे का अपना प्लान है, उसी के क्रम में सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, शुरू हो गई हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल जो हमारा लक्ष्य है कि एनडीए के घटक दलों के साथ कुल मिलाकर 80 की 80 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में जीत करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हैट्रिक बनाने के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, वर्ग लक्ष्य 400 से ज़्यादा सीटें पा करके हम सरकार देश की बनाने का काम करेंगे। एक और बहुत अहम सवाल है, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, सभी राजनीतिक दल कार्यक्रम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी आप भी शामिल होने वाले हैं एक कार्यक्रम में। कुछ राजनीतिक दल इस तरह के कार्यक्रम पहले नहीं करते थे, इसको लेकर सियासत तेज हुई है, और खासतौर पर दलित वोट बैंक को साधने के लिए चुनाव से पहले इस तरह के कार्यक्रम जो राजनीतिक दल नहीं मनाते थे, नहीं करते थे, वो भी करते हुए नजर आने, इस पर क्या? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी देश के महान नेताओं में, उन जननायकों में शामिल हैं जिन्होंने समाज की सामाजिक समरसता और ताना बाना को मजबूत करने के लिए, दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के भलाई के लिए और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका योगदान निश्चित रूप से स्मरणीय है और उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। और हम लोगों का काम है कि जो भी हमारे महापुरुष जिनका आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा, जिन्होंने देश के एकता अखंडता के लिए काम किया, जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए काम किया हो, ऐसे लोगों को सम्मान देना हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का महत्वपूर्ण अंग होता है। उसी के क्रम में हम लोग निश्चित रूप से आज डॉक्टर अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, उसके मौके पर हमेशा उनके सम्मान में न सिर्फ देश में बल्कि विदेश तक में इनके लिए स्मृति स्थल डेवलप करने का काम किया है। देश में भी अम्बेडकर जी के सम्मान में तमाम योजनाओं को हम लोगों ने क्रियान्वित करने का काम किया है, तमाम स्मारक और महत्वपूर्ण स्थानों पर इनको यादगार के रूप में स्थापित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ऐसे महान नेता के स्मरण में आज हम लोग उस कार्यक्रम को लगातार मनाते रहे और लगातार मनाने का आज भी काम करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ ठाकुर जयवीर सिंह थे जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 हर दिन चुनाव बोर्ड में रहती है और उसकी तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो रही हैं। बात सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की जाए तो लगातार बातचीत हो रही है घटक दलों से। इंडिया अलायंस जहां एक तरफ ये तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पहले ही रोड मैप बना चुकी है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।